अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास है और मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला चनियोर से है। मैंने अपना MBBS 2020 में मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए और MBBS के अंदर 80% नंबर हासिल किए। जब पिछले दिनों चनियोर के अंदर गवर्नमेंट की जॉब्स आई थी तो मैंने उसमें अप्लाई किया, क्योंकि वहाँ जितने भी एप्लीकेंट थे तकरीबन 600+ थे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो पहले नंबर पे मेरिट था। और जब लिस्ट लगी है तो वो 37 जो एप्लीकेंट्स थे, जिन 37 लोगों की सिलेक्शन हुई है, उसके अंदर मेरा नाम नहीं आया। नाम क्यों नहीं आया? इस वजह से नहीं आया क्योंकि मेरी कोई सियासी सिफारिश नहीं थी, क्योंकि मैंने रिश्वत नहीं दी, क्योंकि आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह 7 गोल्ड मेडल हैं, नंबर अच्छे हैं, ये डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट्स अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप देख सकते हैं मेरी सिलेक्शन नहीं की गई। वो इसी वजह से नहीं की गई क्योंकि मेरी कोई रिश्वत नहीं थी, मैं सिफारिश नहीं करा सका। और जो लिस्ट लगी है उसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका 60% से भी कम मेरिट है और जिनका MBBS 5 साल की जगह 6-7 साल में हुआ है। उनकी सिलेक्शन क्यों हो गई है? इसलिए हो गई है क्योंकि उन्होंने सियासी सिफारिश कराई है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत दी है, इस वजह से सिलेक्ट हुई है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला साहब से और हेल्थ सेक्रेटरी से कि वो जो चनियोट के CEO हैं और DC हैं, इनके खिलाफ एक्शन लें और इसकी तलाश करें कि ये जो मेरिट का कत्ल किया गया है, मेरिट के खिलाफ सिलेक्शन की क्यों की गई है। तो आप हमारा लाजमी साथ दें। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनका मेरिट जो है वो टॉप 20 में था लेकिन उनका नाम बिल्कुल लिस्ट में नहीं आया। जो 37 लोगों की लिस्ट लगी है उनमें उनका नाम नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे साथ देंगे और इंशाल्लाह इस जुल्म के खिलाफ हम मिलकर उठेंगे। बहुत शुक्रिया।